अमेरिका में हेट क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने 2019 में अमेरिका में हुए हेट क्राइम की घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। FBI ने कहा है कि पिछले साल अमेरिका में पर्सनल हेट क्राइम का आंकड़ा एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। FBI की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अमेरिका में साल 2019 में कुल 7,314 हेट क्राइम रिपोर्ट किए, जो इस दशक में सबसे ज्यादा हैं। FBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने साल 2019 में नस्ल, जाति, धर्म, यौन शोषण, विकलांगता और जेंडर की वजह से हुई 7,314 हेट क्राइम और 8,559 बाकी ऐसे ही अपराधों की रिपोर्ट पेश की है। FBI ने कहा कि साल 2008 के बाद अमेरिका में होने वाले हेट क्राइम्स का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। साल 2017 में FBI ने 7,175 और साल 2018 में 7,120 हेट क्राइम्स की घटनाएं रिपोर्ट की थी। FBI ने बताया कि पिछले साल हुई इन आपराधिक घटनाओं को तीन हिस्सों में बांटा गया है। 5,512 हेट क्राइम्स को लोगों के खिलाफ अपराध, 2,811 को प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध और 236 को समाज के खिलाफ अपराधों के रूप में रखा गया है। वहीं 4.4% मामलों में हेट क्राइम्स की घटनाएं चर्चों, सभाओं, मस्जिदों और बाकी पूजा स्थलों में हुई थी। इन वारदातों के लिए जिम्मेदार 6,406 अपराधियों में से 52.5% गोरे थे और 23.9% अफ्रीकी अमेरिकी थे। धर्म, जाति और जेंडर वगैरह के आधार पर की जाने वाली हिंसा को हेट क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। जब एक अपराधी किसी खास सामाजिक इलाके या धर्म जाति की वजह से पीड़ित को निशाना बनाता है तो ऐसी घटनाओं को हेट क्राइम या नफरत भरे हमले कहा जाता है। भारत में भी हेट क्राइम के बढ़ते मामलों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के सर्वे कराए जाने का चलन नहीं है। पिछले साल मशहूर उद्योगपति आदि गोदरेज ने कहा था कि देश में बढ़ती असहिष्णुता, हेट क्राइम और नैतिक पहरेदारी के चलते आर्थिक विकास को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि देश में सब कुछ अच्छा नहीं है और इसका असर देश के विकास पर भी पड़ेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।